सोलन में अंतर्राष्ट्रीय शोतोकन कराटे फेडरेशन द्वारा 2 दिवसीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर भारत स्तर की इस प्रतियोगिता में 7 राज्यों के कराटे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। ये प्रतियोगिता सोलन के नगर परिषद हॉल में 12 और 13 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय शोतोकन कराटे फेडरेशन के चीफ इब्राहिम सिहान इब्राहिम का भी स्वागत किया जाएगा। सोलन में अंतर्राष्ट्रीय शोतोकन कराटे फेडरेशन द्वारा 2 दिवसीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर भारत स्तर की इस प्रतियोगिता में 7 राज्यों के कराटे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। ये प्रतियोगिता सोलन के नगर परिषद हॉल में 12 से 13 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय शोतोकन कराटे फेडरेशन के चीफ इब्राहिम शिहान इब्राहिम का भी स्वागत किया गया। इस मौके पर हिमाचल शोतोकन कराटे फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिज मोहन ने बताया कि हिमाचल में पहली बार उत्तर भारत स्तर पर कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड के 250 खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी विजयी रहेंगे उन्हें चेन्नई में होने वाले राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस खेल का मुख्य उद्देश्य युवाओं को शारीरिक रूप से फिट रखना है और जब वे शारीरिक रूप से फिट होंगे तो वे नशे से भी दूर रहेंगे। मैं WSKF हिमाचल का प्रेसिडेंट ब्रिज मोहन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज 11 अक्टूबर को हम यहां दुर्गा क्लब में सभी WSKF हिमाचल के लोग उपस्थित रहे और हमारी इस एसोसिएशन में हमने अपने नेशनल चीफ इंस्ट्रक्टर इब्राहिम छल्याद जी को उनका स्वागत किया है और ये हम प्रतियोगिता करवाने जा रहे हैं 12 अक्टूबर से प्रातः 10 बजे से जो शुरू होगी आपकी MC ऑल सोलन में और जिसका समापन कार्यक्रम 13 अक्टूबर को 4 बजे समाप्त हो जाएगा। इसमें सभी अलग अलग राज्य से नॉर्थ के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है लगभग अलग अलग कैटेगरीज में जो कि 200 से 250 बच्चे यहां पर उपस्थित आज से शुरू होने हो गए हैं जी। हमारे जो नॉर्थ रीजन में अलग अलग स्टेटों से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हरियाणा से इसमें लोग हैं, पंजाब से हैं और आपके उत्तराखंड से, UP से, अलग अलग राज्य से, दिल्ली से लोग बच्चे पहुंच चुके हैं और हमारी कुछ इंस्ट्रक्टर भी वहाँ दिल्ली से पहुंचे हुए हैं। इसके बाद जैसे भी हमारा ये WSKF हिमाचल का कार्यक्रम समाप्त होता है इसी साल के अंत में या अगले साल के शुरू में ही WSKF एक नेशनल चैम्पियनशिप करवाने जा रहा है जिसका वेन्यू चेन्नई में होगा। जितने भी हमारे नेशन के जो भी बच्चे हैं, जो भी यंगस्टर्स हैं, वो सबसे बड़ी बात है अपने को हेल्थ से रिलेटेड स्पोर्ट्स में एक तो इंडल्ज कर रहे हैं और जैसे ही अपने को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में वो इंडल्ज करेंगे तो हमारा मैसेज ये भी है समाज को कि स्पोर्ट्स में जितना भी बच्चा इंडल्ज रहेगा वो अपना नशे से दूर रहेगा। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चला है छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।